पान सेवल नगर में दिनांक 13 जुलाई के संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त निर्देश अनुसार 15 से 13 जुलाई तक चलने वाले अभियान वादा करें। अभियान के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा नगर के वार्डों में घर घर जाकर कपड़े का झोला वितरित किया जा रहा है। साथ ही नगर को पॉलिथीन मुक्त बनाने सहित नगरवासियों से अपील भी की जा रही है। नगरवासी जब भी आवश्यकता की वस्तु खरीदने जाते हैं तब कपड़े बैग का इस्तेमाल करें। वही नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि लोकेश शुक्ला ने बताया कि नगर को पॉलिथीन मुक्त व स्वच्छ बनाना है, जिसके लिए परिषद के कर्मचारी गण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षद गण सभी सहयोग कर रहे हैं। नगर में स्वच्छता अभियान और वादा करो एक कार्यक्रम जो प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसी को ध्यान में रखकर एक प्रयास है कि झोले घर घर अगर हम वितरण करते हैं तो निश्चित ही जब सामने वाला परिवार किराना का सामान, सब्जी और अन्य सामग्री अगर लेने जाएगा तो निश्चित ही जन जागरण जब इस प्रकार का होगा तो वो झोला लेके जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विरोध हम करते हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन जन जागरण के अभियान से ही ये कार्यक्रम सफल होगा ऐसा ध्यान में आता है। क्योंकि अभी हमारे वार्ड के प्रतिनिधि ने 8-10 दिन पहले ही मुझे बताया कि नया प्लाट की एक गाय मरी, पोस्टमार्टम किया गया और उसमें पॉलीथीन काफ़ी मात्रा में उसके पेट से निकली, निश्चित ही दुखद घटना थी। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक घर में नगर पंचायत परिषद के सम्मानी पार्षदों ने, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सभी लोगों ने तय किया कि प्रत्येक घर में एक एक झोला वितरण किया जाए जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक का विरोध हो, इसी को ध्यान में रखकर। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए पान सेमा से जयेश पटेल की रिपोर्ट।